Hello students, good morning to everyone. Welcome in my class. We have done our chapter. Now we talk about exercise of this chapter. Now our first question is, name the wool commonly available in the market. Market में जो commonly, normally जो अपने को wool मिलती है, ठीक है, वो कौन सी wool होती है? तो वो wool कौन सी हो गई? Sheep wool. Then correct answer is C. Now next question, birds are the, जो birds हैं वो क्या हैं? Blur is a small fluffy fiber in wool. Now next question, the shores of angora wool, जो angora wool है उसका शोर्स क्या हो गया? अंगोरा गॉट, ल्यामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन, ये जो है वो अपने को कहाँ पे मिलते हैं? तो साउथ अमेरिका. डन. सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ, जो सिल्क फाइबर है वो किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन. नाउ ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पश्मीना शॉल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर, जो पश्मीना शॉल है वो किससे, किसके फर से बनाई जाती है? तो ये क्या हो गया? गॉट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स है वो क्या है? उसकी अपने को डेफिनेशन बतानी है. देन The rearing of animals is defined as animal raised or bred for their use. ठीक है, इट मीन्स अगर हम किसी भी एनिमल को रखते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, अपने यूज के लिए उनको क्या करेंगे, सॉरी अपन क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे, और फॉर प्लेजर और फॉर प्रॉफिट ऑफन फॉर food, these activities have associated common problems of odor elimination or animal waste. ठीक है, अपन क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को अपने पास रखते हैं, ठीक है, और अपन उसको फूड प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और जो एनिमल वेस्ट है उसको वो भी अपने क्या होता है, फिर यूज में आता है, और अगर वो एनिमल अपने यूज में आ रहा है तो ये क्या हो गया, रियरिंग ऑफ एनिमल. देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पश्मीना, पश्मीना क्या है? नाउ पश्मीना रेफर्स टू ए फाइन वेरिएंट, जो पश्मीना है वो क्या करता है, फाइन वेरिएंट रेफर करता है फ्रॉम कैश्मीर एंड एनिमल हेयर फाइबर्स फॉर्मिंग द डाउनी अंडरकोट ऑफ द गॉट ऑफ चामंग हनी. द वर्ड पाश्म, जो वर्ड पाश्म है उसका मीन क्या है, वुल इन पर्शियन, ठीक है, पर्शियन में जो पाश्म था उसका मीन क्या था, वुल, बट इन कश्मीर, लेकिन कश्मीर में पाश्म रेफर्ड टू द रो अनस्पून, कश्मीर में जो पाश्म है उसको रो अनस्पून कहेंगे, ठीक है, ऑफ डोमेस्टिकेटेड चंगथांगी गोट. ये क्या है, गोट का नेम है, इस गोट के वुल से अपने को क्या मिलता है, पश्मीना. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन द टर्म स्कोरिंग, स्कोरिंग की जो टर्म है वो क्या है. नाउ टू रिमूव डर्ट ग्रीस एटसेट्रा, ग्रीस डर्ट एटसेट्रा रिमूव करने की जो प्रोसेस है, फ्रॉम और टू क्लींस और पॉलिश बाय हार्ड रबिंग एज विद ए रफ और एब्रेसिव मटेरियल, ठीक है, इसे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो गई,
स्कोरिंग. ओके देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वर्ड्स. वर्ड्स क्या होता है. देन बर्ड्स आर द स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर. ये क्या होता है, स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फ्लफी फाइबर होते हैं वूल के अंदर. दीज ब्लर्स कैन बी रिमूव्ड मैन्युअली. और ये ब्लर्स क्या होते हैं, मैन्युअली हम इसको रिमूव कर सकते हैं. ब्लर्ड बर्ड्स कैन बी फाउंड ऑन बसेस वीड्स एंड ट्रीज. और ये अपने को वीड्स बसेस और ट्रीज से अपने को ये मिल सकते हैं. ओके देन एक्सप्लेन द रीलिंग ऑफ सिल्क. सिल्क को रील करने की जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करनी है. देन नाउ और आंसर इज रीलिंग ऑफ सिल्क. सिल्क रीलिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए नंबर ऑफ कोकून बेव्स आर रील टूगेदर टू प्रोड्यूस ए सिंगल थ्रेड. ओके जो कोकून से अपने को क्या करना है, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपने को इसमें रीलिंग करनी है. ओके और जो कोकून अपने को मिलता है फिर उसको क्या करना है, उसको रील करके अपने को क्या बनाना है, सिंगल थ्रेड बनाना है. डन. Now our next question is what is most common silk. Most common silk moth. Okay, and you also know that most common silk moth है वो कौन सा होता है, mulberry leaves पे जो रहता है. Okay now you can see here the answer of the most common silk moth is mulberry silk moth. ठीक है, क्या नाम है इस मॉथ का, मलबेरी सिल्क मॉथ. एंड इट्स सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट. इसका जो सिल्क फाइबर होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लस्टर्स एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड ब्यूटीफुल कलर. ठीक है, और ये क्या होता है, ब्यूटीफुल कलर में अपन इसको डाई कर सकते हैं. ओके नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे. Selective breeding involves choosing parents with particular characteristics to breed together and produce offspring with more desirable characteristics. ठीक है, जो selective breeding होती है उसमें क्या होता है कि जो parents होते हैं वो क्या करते हैं, desirable character अपनी offspring के अंदर. ठीक है, अपन उनकी जो भी offspring है उसमें desirable character, जो character उनको need है वो character वो उसमें produce कर सकते हैं. ओके एंड नेक्स्ट ह्यूमंस हैव सेलेक्टिव ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस करते हैं जो क्या होते हैं, सेलेक्टिवली होते हैं. ओके फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट विद बेटर यील्ड. ठीक है, थाउजेंड ऑफ प्लांट्स हैं वो ऐसे हैं जो अपने को क्या है, बेटर यील्ड में अपने को यूज में लिए जाते हैं. डन. Now, next question. Our next question is explain the feeding of sheep. Sheep की जो feeding है वो कैसी होती है, sheep जो है वो क्या feed करती है. Now you can see here the answer of
शिप आर हर्बीवोरस एनिमल, शिप क्या एक हर्बीवोरस एनिमल है एंड ग्रेज ऑन ऑल काइंड ऑफ ग्रासेस, और ये क्या करती है सभी टाइप की जो ग्रासेस है वो खा सकती है। लीव्स विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन समर एंड रेनी सीजन, ठीक है, और ऐसी लीव्स वो कंज्यूम करती है जो क्या होती है समर सीजन और रेनी सीजन में इजीली अवेलेबल उनको हो जाती है। डन। एंड इन विंटर द शिप आर कैप्ट इनडोर, और विंटर में क्या होता है जो शिप होती है इनको अंदर रखा जाता है, फेड ऑन ए मिक्सचर ऑफ ड्राई फोडर, और क्या होता है ये जो ड्राई फोडर है वो ड्राई फोडर लीव्स है वो कंज्यूम करती है, पल्सेस ज्वार कॉर्न एंड ऑयल कैक्स, इन सारी चीज़ों को ये क्या करती है फीड करती है। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आर रियर्ड टू ऑब्टेन वूल, हम वूल ऑब्टेन करने के लिए किस टाइप के जो एनिमल्स है वो रियर करते हैं ये अपने को बताना है। ओके, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, ओके क्या किया जाता है शीप को रियर किया जाता है, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इन टू वूल, उसके जो हेयर है वो कट किए जाते हैं और उनसे वूल बनाए जाते हैं। ओके देन इनफ फॉर टूडे, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।